नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। नए साल पर केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन का तोहफा दिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच 1 जनवरी 2022 से कोविन पोर्टल या ऐप पर 15 से 18 साल के किशोरों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो सुबह 10 बजे खुल गया। सोमवार से इनका वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। हरियाणा में जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, राज्य सरकार के आदेशानुसार इन लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन रहेगी। ऐसे लोग ना रोडवेज बस में सफर कर पाएंगे और ना ही ट्रेन में चढ़ पाएंगे। सभी तरह के सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग जख्मी हुए, जिन्हें स्थानीय नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 28 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया। इसके साथ ही एसपी रैंक के 10 अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के खाते में 20,946,00,000 रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानी उत्पादक संगठन से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने की घोषणा की, साथ ही किसानों की पूरी सिंचाई मुफ्त देने की भी बात कही। हरियाणा के भिवानी में हुआ दर्दनाक हादसा, पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरा, सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबी, मौके पर राहत कार्य जारी। आईआईटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय उन करीब 6,000 संस्थानों या संगठनों में शामिल है जिनका विदेशी चंदा अधिनियम पंजीकरण समाप्त हो गया। पीयूष जैन के बाद पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी से यूपी का कन्नौज लगातार देश में चर्चा का विषय बना हुआ। कारोबार के तार दिल्ली, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु तक है, इसलिए रेड भी ऑल इंडिया लेवल पर पड़ी है। बता दें कि कुल 50 ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। भारत में आज अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की 500,000 खुराक वाली मानवीय सहायता के अगले बैच की आपूर्ति की। वैक्सीन की इस खेप को इंदिरा गांधी अस्पताल काबुल को सौंप दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। नए साल से एटीएम से पैसा निकालना थोड़ा महंगा हो गया। 1 जनवरी 2022 से मुफ्त मासिक सीमा से अधिक लेनदेन पर ग्राहकों को अतिरिक्त चार्ज देने होंगे। अब तक मुफ्त मासिक सीमा से अधिक लेनदेन पर ग्राहकों को 20 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 21 रुपए या उससे अधिक देने पड़ेंगे। नए साल पर गैस कंपनियों की तरफ से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की गई। ये कटौती 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है। 1 जनवरी 2022 को दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 102 रुपए से घटकर 1,998.05 रुपए हो गई। जनवरी 2022 में कुल 16 दिन सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद रहेंगे। जनवरी में त्योहारों के कारण आरबीआई ने अलग अलग राज्यों में कई दिन बैंक बंद होने का ऐलान किया। देश में कोरोना के 22,775 केस दर्ज किए गए और संक्रमण से 406 मौतें हुई। 24 घंटे में देश के कोरोना मामलों में 36% का इजाफा दर्ज किया गया। देश में पिछले 4 दिनों में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही। खाने पीने का सामान ऑनलाइन मंगाना नए साल की शुरुआत से महंगा होने जा रहा है। खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों को अब ग्राहकों से 5% कर जुटाना होगा और उसे सरकार के पास जमा कराना होगा। सीबीआई की ओर से 100 दिन ब्रीडिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान को शिक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे। इसमें 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बोर्ड ने सभी स्कूलों से अभियान में शामिल होने की अपील की। सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं के साल 2022-23 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 6 जनवरी तक बिना एक्स्ट्रा फीस दिए पंजीकरण करा सकते हैं।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संघ की ओर से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कानून कार्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 का 8 मई से आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो गई है और 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। जैसे कि एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को कोरोना हो गया, मृणाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी। मृणाल ने बताया कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण दिखे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को वनडे टीम में पहली बार मौका मिला। भारतीय अंडर 19 टीम ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। खिताबी मुकाबले में यश ढुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम से 8 विकेट से हराया। शीतलहर के प्रकोप के बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और नॉर्थ राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 से 7 जनवरी के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शीतकालीन छुट्टियों के तहत कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कार्य योजना जारी कर दी है। छुट्टियों के दौरान छात्रों को विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क पर काम करना होगा। इसके तहत कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को 20 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करानी होगी। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर टीवी डे सेल शुरू हो चुकी है। ये सेल 1 जनवरी से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान हर साइज की टीवी को बेहद ही कम कीमत में खरीदा जा सकता है। जियो का 75 रुपए वाला प्रीपेड प्लान में 23 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके अलावा इस प्लान में सभी नेटवर्क पर कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। जियो इस प्लान में अपने ग्राहकों को हर दिन के लिए 100 MB इंटरनेट दे रहा है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।